27 सितंबर को जब इजराइल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह को मिसाइल हमले में मार गिराया तो इस बात का अंदेशा सबको था कि ईरान इसके जवाब में प्रतिक्रिया जरूर देगा और इजराइल पर हमला भी करेगा। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात का केवल अंदेशा नहीं था बल्कि उन्हें पक्का यकीन था कि ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। 1 अक्टूबर की देर रात को ईरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर कथित तौर पर हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। कहा यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोके। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जानबूझकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नजरअंदाज किया है क्योंकि वो अपने मित्र ईरान का साथ देना चाहता था। कहा यह जा रहा है कि इजराइल पर हमला करने के पीछे ईरान के आत्मविश्वास की असली वजह पुतिन ही हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया को मौत के उखाड़ उतारा था तो इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत से लेकर आधुनिक मिसाइल सिस्टम उतार दिया ईरान इससे पीछे हट गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक ईरान पूरी ताकत के साथ इस बार इजराइल पर टूट पड़ा। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर हमला कैसे बोल दिया। तो इसके पीछे की असली वजह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। समझा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कथित तौर पर इजराइल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। महज 3 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए पुतिन ने अपना खास दूत भेजा था और उसके अगले ही दिन ईरान ने नई ऊर्जा के साथ इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दिया। पुतिन के ये खास दूत बने थे रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिश्तुस्तिन। रूस के प्रधानमंत्री 30 सितंबर को ईरान पहुंचे और वहां उन्होंने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की थी। हालांकि रूस की तरफ से सरकारी बयान में यह कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच की यह मुलाकात व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में रूसी ईरानी सहयोग को बढ़ाने के लिए हुई। रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि यह दौरा 22-24 अक्टूबर के ब्रिक्स समिट के संबंध में है जहां ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम बैठक होनी है। जबकि असल में रूसी पीएम पुतिन का संदेश लेकर ईरान के पास पहुंचे थे। रूसी पीएम ऐसे समय में ईरान पहुंचे जब नसरुल्लाह की मौत से वहां मातम पसरा हुआ था और ईरान मायूस था। समझा जा रहा है कि पुतिन के दूत ने ईरान का हौसला बढ़ाया और ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। रूस इस जंग में ईरान का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि रूस और ईरान के अच्छे संबंध हैं। वहीं इसकी दूसरी वजह यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ है इसलिए रूस ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। यूक्रेन युद्ध में एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन के साथ है तो इस युद्ध में किसी ने रूस की सबसे ज्यादा मदद की है तो वो है ईरान। रूस ईरान में बनी मिसाइलों से ही यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पिछले कुछ महीने के घटनाक्रम को देखें तो इजराइल के आक्रामक रवैये पर ईरान कई बार इजराइल को आंखें दिखा चुका है लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठे इजराइल के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेबनान में उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर इजराइल पर हुए ईरान के समुद्रपुर हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुँच गया है। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इसराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इसराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के
टारगेट में है, इसराइल की साइट्स में है, और उसका जो अटैक होगा इसराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर, उसे किस तरीके से हिजबुल्ला का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से, और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इसराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इसराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इसराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इसराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका, और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इसराइल को, और इसराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इसराइल के साथ खड़ा होकर इसराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है, और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने, और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इसराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इसराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है, क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इसराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया, तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इसराइल ने उसके दामाद हसन जफर अल कासिम को भी ढेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक फ्लैट पर हमला कर हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर अल कासिम को मार गिराया। ऐसा लग रहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकू उसके टॉप कमांडर्स के बाद अब नसरुल्लाह के परिवार को भी निशाने पर ले रहा है। हसन की हत्या हिजबुल्लाह के लिए एक और गंभीर झटका है, क्योंकि इजरायली अभियानों में उसका नेतृत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कह सकते हैं कि इजरायल अपने दुश्मनों की सफाई के मिशन पर जिस तरह निकला है, उसका अंत कहां जाकर होगा ये कोई नहीं जानता है।